नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी 66वीं बीपीएससी वैकेंसी दे दी है। हालांकि सीट कम है, लेकिन फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एक ही सीट की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ तक सूचना आ रहा है कि ये सीट बढ़ करके इलेक्शन तक के 1000 के आसपास हो जाएगा आपका पीटी एग्जाम होते होते, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं जो हम लोग देखेंगे। इसमें अभी पहले एक 66वीं बीपीएससी के बारे में कब कब क्या डेट है, लास्ट डेट है वगैरह सब चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जो बीपीएससी कैसे क्रैक करें उस पर हम लोग गप करेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए देखा जाए 66वीं बीपीएससी में सीट 562 है, सीट टोटल 562 है। परीक्षा की संभावित तिथि 27 दिसंबर 2020 को दे रहा बता रहा है ना। परीक्षा की संभावित तिथि 27 दिसंबर 2020 बता रहा है। हालांकि इसके पहले ही हमने देखिए संभावित डेट बताया था कि जनवरी के आसपास में होगा, यानी जनवरी 2021 में, ठीक है। लेकिन ये उसी के आसपास है, 27 दिसंबर हो गया तो जनवरी पहुँच ही गया, ठीक है। फॉर्म भरा जाएगा है ना, ये फॉर्म भरा जाएगा आपका 28 सितंबर 2020 से, 28 सितंबर 2020 से फॉर्म भरना शुरू होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 20 अक्टूबर 2020 अंतिम तिथि है। अब न्यूनतम उम्र क्या है, न्यूनतम उम्र 1 अगस्त 2020 तक के आपका 20 साल होना चाहिए है ना। न्यूनतम उम्र 1 अगस्त 2020 तक के 20 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। फिर अधिकतम उम्र का देखिए अनारक्षित यानी जनरल के लिए 37 वर्ष, ओबीसी ईबीसी के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष है ना, ये अधिकतम उम्र है, ठीक है। इसमें चांस लिमिट नहीं रहता है। फिर देखिए महिलाओं का आरक्षण है 35%, महिलाओं का आरक्षण है 35%। शुल्क जो है महिला दिव्यांग एससी एसटी ये सभी का शुल्क लगेगा 150 रुपया यानी 150 रुपया, ठीक है। और अदर लोगों का जो शुल्क लगेगा आपका देखिए 600 रुपया, अदर लोगों का शुल्क लगेगा 600 रुपया, ठीक है। स्कोर आपको एग्जाम का कंफर्म करने के लिए, रिजल्ट आपका श्योर करने के लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए 110 से 115 है देखिए स्कोर जाने की संभावना है क्योंकि सीट कम है तो आपका स्कोर है देखिए ज़्यादा जाएगा। फिर देखिए जो लोग सेल्फ से करना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि इसके लिए मेरा बीपीएससी का कल से बैच आ रहा है मंगलवार से 22 सितंबर से, लेकिन ये आपका देखिए 9:30 बजे से, ठीक है। लेकिन जो लोग खुद से करना चाहते हैं तो उनके लिए भी देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि वैसे मेरा YouTube पे वीडियो जाते रहेगा है ना, वो आप वीडियो देख करके भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सेल्फ करने वाले के लिए है लूसेंट का जो जीके किताब आता है उस किताब को पढ़ लेंगे, लूसेंट का जो जीके किताब है। फिर उसके बाद क्राउन का जो जीके आता है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर स्पीडी का जीके और साइंस दोनों सेगमेंट, स्पीडी का जीके साइंस दोनों और क्राउन बिहार, क्योंकि बिहार से भी 15-20 क्वेश्चन रहते हैं जो रिजल्ट मेकर होता है ना, ये क्वेश्चन तो देखिए आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। फिर देखिए एक सेट डेली प्रैक्टिस कीजिए, हालांकि जहां तक संभव हो एक्सपर्ट के नज़र में ही कीजिए, एक्सपर्ट के गाइडेंस में कीजिए तो उससे आपका देखिए बेहतर होगा, ठीक है। नहीं तो सेट में अमूमन 5 से 7 क्वेश्चन गलत रहता ही है तो आप गलत ही याद कर लेते हैं, लेकिन जब आपका एक्सपर्ट के साथ देखिए करते हैं तो वो 5 से 7 क्वेश्चन जो गलत हैं वो आप श्योर कर लेते हैं, कन्फर्म हो लेते हैं, ठीक है। और आपका देखिए एक एक क्वेश्चन पे करीब 20-20 फैक्ट बताते हैं, एक एक क्वेश्चन पे 20-20 फैक्ट बताते हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे हमारे अगर सेट होता है तो सेट पे देखिए करीब 24 सेट लगाते लगाते बच्चा का रिजल्ट हो जाता है, 24 सेट है देखिए यानी भाई एक महीना में 12 होता है ना। तो ये आपका चूंकि इतना धांसू है देखिए वो सेट जाता है, जिसके कारण आप सेट में करना क्या है जो सेल्फ से लगाएंगे वो सारा सेट को जो कि लगा करके याद कर लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत होगा उसको भी जो कि याद कर लेना है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका जो कि निकल सकता है, निकलेगा ही, सबका निकलता है आपका भी निकलेगा,
ठीक है। जैसे अब आपको बता दें कि कभी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। कोई लोग भी है देखिए, जैसे लॉकडाउन में सबको ये देखिए जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं, पढ़ाई हो नहीं पा रहा है, तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करके जो जहाँ है उसी लेवल से देखिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चूंकि देखिए अपने आप को जैसे कॉन्फिडेंस को लूज कीजिएगा और आपका देखिए सब कुछ लॉस हो जाएगा, क्योंकि मन के हारे जीत है, मन के जीते जीत है, ठीक है। जैसा कि आपको बता दें कहानी, छोटी सी कहानी से आपके देखिए पूरी बात कहना चाहेंगे कि शेर, शेर की रफ्तार होता है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। खरगोश की रफ्तार होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, खरगोश की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा और शेर की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भी खरगोश हार जाता है और शेर जीत जाता है। ये इसलिए जीत जाता है शेर और खरगोश इसलिए हार जाता है क्योंकि खरगोश को हमेशा डर लगा रहता है, खरगोश को हमेशा डर लगा रहता है और डर की वजह से वो पीछे मुड़मुड़ के पीछे मुड़मुड़ को जो कि देखता है, और देखने की वजह से उसकी चाल स्पीड कम जाती है, जिसकी वजह से शेर उसका आसानी से शिकार कर लेता है। तो आपको पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है, अपनी चाल पर, अपनी देखिए जो नेचुरल चाल है, आपकी जो नेचुरल मोशन है, उस मोशन को बनाए रखिए। अपने आप से कंपटीशन कीजिए। आज मैंने 2 घंटा पढ़ा तो कल 3 घंटा पढ़ेंगे, परसों 4 घंटा पढ़ेंगे। अपना ही रिकॉर्ड अपना ही तोड़िए, ठीक है। थोड़ी सी सोशल मीडिया से देखिए सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, यानी थोड़ी सी दूरी बना करके रखिए, है ना। चूंकि देखिए आपका देखिए काउंट डाउन करना शुरू कीजिए, 54-55 दिन, 94-95 दिन के बाद आपका देखिए बीपीएससी एग्जाम है ये इस डेट के अनुसार, ठीक है। तो अपने आप को गिन करके 3 महीना, 3 महीना देखिए मिनिमाइज कर लीजिए, फिर आपका देखिए अपने अनुसार जिंदगी जिएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग है देखिए अगर चाह रहे हैं कि, हालांकि 3 महीना में सेल्फ से करना असंभव सा लगता है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी गाइडेंस में आप आ जाते हैं तो आपका श्योरनेस हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग जो है एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपकी काम को आसान कर देते हैं, है ना। एक विशाल जैसा सिलेबस जो है उसको जो कि कंपाइज कर करके एकदम छोटा बना देते हैं और आपको जो कि याद करा देते हैं, जिसमें आपका जो कि रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। पिछले बार भी जो कि करीब 25-30 बच्चे का रिजल्ट हुआ है ना, और वो सब मेंस दे भी रहा है, ठीक है। तो आप भी ये देखिए अगर इच्छा है तो जुड़ जाइए 9 बजे से 10:30 बजे तक के बीपीएससी का देखिए बैच आ रहा है, ठीक है। फिर अगला जो वीडियो आपको बनाएंगे वो आपका देखिए बीपीएससी कैसे कर रहे करें, छोटी छोटी बातों पर गप करेंगे, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे देखिए सर स्क्रीन शूट लेने के लिए हट जाइएगा, तो ये स्क्रीन शूट लेने के लिए है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।